नमस्कार। तो आज आप हम यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग नज़र डालने वाले यस बैंक स्टॉक के। तो रिसेंटली यस बैंक स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिले। आज 17 लेवल ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया है आज के दिन के लिए। तो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर नज़र डालेंगे कि कोई खास न्यूज़ या अपडेट है क्या रिगार्डिंग यस बैंक स्टॉक। तो ₹45,000 करोड़ बेट यस बैंक अमाउंग टॉप 9 FI स्टॉक पिक्स इन Q3। तकरीबन देख सकते कि तकरीबन 9 स्टॉक्स को पिक किया एफ आई के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 9 स्टॉक पिक्स है, उसमें से यहाँ पे यस बैंक भी है Q3 के नतीजे के ऊपर। यस बैंक पॉलिसी बाय एडेड टू FI कार्ट इन October to December Q2। तो तकरीबन यस बैंक चैलेंजेस बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग एट 81 बॉन्ड राइट ऑफ। बाकी कोई खास अपडेट नहीं है रिगार्डिंग यस बैंक। पर आज के मोमेंटम की बात की जाए तो स्टॉक में फिर से बेरिश मूवमेंट नज़र आ चुकी है और वीक मूवमेंट। तो स्टॉक नीचे जाता है तो 16 लेवल सपोर्ट एक्ट हो सकती है स्टॉक के लिए। वैसे भी देख सकते कि मार्केट कैप 50,000 करोड़ के नीचे आ चुके हैं स्टॉक की, और यहाँ पे पी रेशियो देख सकते 47 का है। लास्ट 5 डेज में स्टॉक की मोमेंटम की बात की जाए तो कोई खास अपडेट नहीं आई। 17 लेवल के ऊपर स्टॉक सेटल ही नहीं हो पा रहा है। तो चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे हम लोग। तो चार्ट के ऊपर नज़र डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते कि चार्ट के ऊपर नज़र डाली जाए तो स्टॉक 17 लेवल काफ़ी दिनों से रजिस्टर्ड एक्ट हो रहा है। मीन्स इस मंथ के स्टार्टिंग से ही स्टॉक 17 लेवल पे रजिस्टर्ड लेता हुआ नज़र आ रहा है। 17.15 लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल मानी जा रही है यस बैंक के लिए। उसी लेवल पे रजिस्टर्ड लेके गिरावट हो रही है। 16 लेवल के करीबन आता है तो सपोर्टिव के लिए यहाँ पे 200 मूविंग भी है और 16 लेवल भी इंपॉर्टेंट है, वो भी सपोर्टिव एक्ट हो सकती है। कोई खास अपडेट है क्या? तो देख सर की कोई खास लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग यस बैंक नहीं दिखाई दे रहे। जब तक 17 लेवल को ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक 18 लेवल तक जाने के चांसेस नहीं दिखाई दे सकते हैं।